देवास में नए बने फ्लाई ओवर ब्रिज का शुक्रवार को कांग्रेसियों ने शुभारंभ किया। इस दौरान जमकर हंगामा किया गया। कांग्रेसियों ने नारेबाजी की, बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस से खींचतान और झूमाझटकी चलती रही। देवास शहर के ब्रिज पर राजनीति का दूसरा एपिसोड शुरू हुआ। इंदौर रोड ब्रिज का जबरन ब्रिज नामांकन करने के बाद आज कांग्रेसी मक्सी रोड ब्रिज का नामांकन करने पहुंचे। पुलिस ने पहले से ही बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेसियों को जाने के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन कांग्रेसी पहुंचे और सबसे पहले पूजन पाठ की और ब्रिज का फिसल पट्टी ब्रिज नामांकन कर दिया। इस दौरान धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड्स को हटाकर ब्रिज पर चढ़ गए। ब्रिज पर चढ़ने के बाद वाहन का आवागमन भी शुरू हो गया, जिसे पुलिस ने बंद करवाया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो ब्रिज के साथ छेड़छाड़ करने वाले नेता, अधिकारी व इंजीनियर पर कार्रवाई करेंगे। कोई चोरी छिपे नहीं किया। 8 दिन पहले माननीय जिलाधीश महोदय को पत्र दिया था कि आप देवास की जनता के हितार्थ जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो पैसा माननीय सज्जन वर्मा जी लेके आए 250 करोड़ रुपए, देवास में बच्चा बच्चा जानता है, उस ब्रिज को बने को जो इन्होंने बीजेपी ने डिजाइन परिवर्तित कर दी। परिवर्तन के पश्चात भी जब ब्रिज बन गया, 45 दिन के पहले बन चुका है और ठेकेदार ने लिख के दे दिया है कि ब्रिज कम्प्लीट हो गया, तो फिर चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या नेताओं के उद्घाटन के चक्कर में देवास की जनता तरसती रहे सुविधाओं को? आप उद्घाटन करा लो, प्रधानमंत्री से करा लो, मुख्यमंत्री से करा लो, राज्यपाल से करा लो, जिससे मर्जी आए करा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की थी कि 2-4 दिन तो समझ में आते हैं, 45 दिन बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंग रही थी। आज हमने जनता को जनता के द्वारा समर्पित कर दिया वो पैसा जो कांग्रेस शासन ने दिया था। इनका पहले तो संवैधानिक अधिकार बनता ही नहीं है कि उद्घाटन करें। सरकारें तो आएगी जाएगी, एक ढेला पैसा ही लेके नहीं आए सांसद जी और विधायक जी के देवास को नई सौगात दे दी। बता दें कि कृषि उपज मंडी के पास यह फ्लाईओवर ब्रिज कुछ माह पहले बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसका शुभारंभ नहीं किया गया। एक सप्ताह पहले कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी कर इसे शुरू करने की मांग की थी। कहा गया था कि 7 दिनों में ब्रिज का शुभारंभ नहीं किया गया तो कांग्रेस जन इसका शुभारंभ करेंगे। इस ब्रिज का शुभारंभ कर फिसल पट्टी ब्रिज नाम दिया गया है। देवास से मृदुभाषी प्रदेश के लिए विजेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मृदुभाषी प्रदेश के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।